हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आप पैन कार्ड कैसे बनवा सकते हैं, या पैन कार्ड में नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, फोटो या फिर सिग्नेचर में कैसे करेक्शन करवा सकते हैं। अगर अभी तक आपने पैन कार्ड नहीं बनवाया है तो इस आई बटन के वीडियो को देखकर बड़ी आसानी से पैन कार्ड बनवा सकते हैं, या फिर पैन कार्ड में करेक्शन करवाना हो तो वो भी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि आप पैन कार्ड के स्टेटस को कैसे ट्रैक कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पैन कार्ड के स्टेटस को ट्रैक करने के लिए सबसे पहले अपने फ़ोन या फिर कंप्यूटर पर किसी भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे और सर्च करेंगे पैन कार्ड स्टेटस। यहां पर सबसे पहले वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। यहां ट्रैक योर पैन एप्लीकेशन स्टेटस का पेज खुल जाएगा। यहां से आप पैन कार्ड के स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं। पैन कार्ड अप्लाई करते समय आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है, उससे आप पैन कार्ड के स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ एप्लीकेशन टाइप में सेलेक्ट करेंगे पैन न्यू स्लैश चेंज रिक्वेस्ट, क्योंकि आपने पैन कार्ड बनवाया है या फिर चेंजेज के लिए रिक्वेस्ट भेजा है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिला है उसको भरेंगे, फिर इस कैप्चा कोड को भरेंगे। इसको भर लेने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने पैन कार्ड का स्टेटस दिख जाएगा। तो यहाँ पर मेरा जो स्टेटस है सक्सेसफुल दिख रहा है, कुछ दिनों में पैन कार्ड मेरे एड्रेस पर आ जाएगा। अगर आपके एप्लीकेशन में कोई गड़बड़ी है या फिर एप्लीकेशन सही से सबमिट नहीं हुआ है तो यहाँ उसका स्टेटस दिख जाएगा, जिसे आप यहीं से करेक्शन के लिए दोबारा रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।